तो फिर मैं पहुंच चुकी हूं मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली इंद्रलोक पटरी मार्केट पे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लहंगों से, और ये लहंगे बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं और सुंदर हैं। जैसे कि मुझे ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगा, ये फर वाला था और काफ़ी खूबसूरत था। सब 1100 1200 1500 से स्टार्ट हैं, तो आप लोग एक बार यहाँ से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। और ये बिल्कुल जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही शॉप है। और अब आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे थान वाला कपड़ा। आज मैं आप लोगों को एक बात स्टार्टिंग में ही बताती हुई चलती हूँ कि आज मेरा जो पूरा ब्लॉग है वो थान के कपड़ों पर है। जो लोग मीटर के हिसाब से कपड़े लेना पसंद करते हैं उनके लिए आज मेरा पूरा ब्लॉग उन्हीं लोगों के लिए है। और आप लोगों ने टाइटल भी देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो आप ये देखिए, ये आंटी दिखा रही थी जो 1.5 मीटर 2 मीटर कटे हुए अलग से रखे हुए हैं, वो 50 रुपये और 60 रुपये में दे देते हैं आंटी, चाहे वो 1.25 मीटर हो या 1.5 मीटर हो या 1 मीटर हो, तो वो कम करके आंटी दे देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पूरा सूट था ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये सिर्फ़ 200 रुपये का था। 200 रुपये में आपको 3.5 मीटर 4 मीटर कपड़े यहाँ पर मिल रहा था। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से जैसे ही हम उतरेंगे गेट नंबर 5 से, और ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है हमारी। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़े हैं, जो लोग सिल्क पहनना पसंद करते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सस्ता है। 200 रुपये में 4 मीटर कपड़ा आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे टी शर्ट और लोवर वगैरह, तो ये भी मैंने कवर कर लिया है जो 100 रुपीज़ में थे। और देखिए एक बार आपको फिर दिखाती हूँ मैं थान वाला कपड़ा। ये प्लेन कपड़ा था, ये 40 रुपये मीटर में था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये कपड़ा। कॉटन था, प्योर कॉटन। इसका आप प्लाजो और शलवार वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की सेल में टी शर्ट देखने के लिए मिलेंगी। ये भी आपको वही पटरी मार्केट में मिलेंगी स्टार्टिंग में ही, जो कि बहुत अच्छी थी। भैया बता रहे हैं ब्रांडेड है और बिल्कुल न्यू पीस है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फ्रेश पीस 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि 200 से तो टी शर्ट स्टार्ट ही होती है, यहाँ पर 100 रुपीज़ की मिल रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज थर्सडे मार्केट है और आज बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है। और ये देखिए, ये भी 100 की टी शर्ट थी, कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे ये वाइट वाली तो बहुत ही अच्छी लगी 100 रुपीज़ में। और भैया टैग भी दिखा रहे थे कि ब्रांडेड है, ऐसे लोकल नहीं है और पुरानी नहीं है, जो सेकंड हैंड होती है वो नहीं है। काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं कितना फ्रेश लुक आ रहा है उसका। और यहाँ पर ना 100 की टी शर्टें थी इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं ये। और यहाँ पर बेडशीट थी जो कि थी जोड़े में आपको लेनी पड़ेंगी, 200 की थी तो आपको एक बेडशीट 100 रुपीज़ की पड़ेगी। भैया के पास बहुत अच्छी बेडशीट थी, आप देख सकते हैं। अब भैया अपनी टी शर्ट दिखाने में लगे हुए हैं, भाई मेरी टी शर्ट देखो, ब्रांडेड टी शर्ट है। काफ़ी अच्छी टी शर्ट थी ये वाली भी, ब्लू वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनके पास सूट काफ़ी अच्छे सूट थे, 350 की सेल में इनके पास सूट थे भैया के। और इनकी जो शॉप है वो हमेशा ही खुली रहती है, सातों दिन खुली रहती है, और सैटरडे वाले दिन ये अपने एक अलग ही शॉप लगाते हैं जिसमें 350 की सेल रखते हैं। बाकी दिनों में इनके पास हर रेंज का सूट अवेलेबल होता है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ से 2 सूट लिए हैं, काफ़ी अच्छे थे वो। और ये देखिए आप, कढ़े हुए थे, काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड थे और प्रिंटेड भी देख, तो इनके पास 350 की सेल थी। और ये मेट्रो स्टेशन के नीचे शॉप नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर आके है। अगर आप लोगों को यहाँ जाना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके एड्रेस ले सकते हैं, मैं कमेंट के ज़रिए आप लोगों को यहाँ का एड्रेस ज़रूर बताऊँगी।
तो आप देख सकते हैं सूट कितने अच्छे अच्छे हैं भैया के पास, भैया कुछ दिखा रहे हैं। और इनके पास इतनी भीड़ थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत मुश्किल से मैंने इतना वीडियो शूट कर पाई हूं, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इनके पास। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इनके पास, ये देखिए मैं, ये देखिए आप कितनी भीड़ है इनके पास। और अब मैं आपको एक और थान की शॉप पे लेके चलती हूँ। यहाँ पर सारा नेट का फैब्रिक था जो कि बहुत बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा नेट था, जिसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट वाला नेट। तो जो लोग नेट के शौकीन हैं वो यहाँ से ज़रूर लें। इनकी भैया की भी शॉप मेट्रो स्टेशन से रोड क्रॉस करके आप एंटर करेंगे तब मिलेगी। और ये देखिए, ये हैं छोटे बच्चों की साड़ियाँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी, और ये 500 की ब्लाउज के साथ थी। तो ये हमारे जो 10 साल के बच्चे होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनसे उनका साइज़ था, और नीचे जो थे वो हमारी बड़ी लड़कियों के लिए था। तो इनके पास सारे ही बच्चों के साइज़ थे, छोटे से लेके जो 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल तक के बच्चों का साइज़ था इनके पास। ये जो साड़ियाँ होती हैं ये रेडीमेड होती हैं, बनी हुई, बस आप वेयर करें। और यहाँ एक बार फिर से मैं आपको थान का दिखाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बोला है, आज मैं सारे थान के कपड़ों को कवर कर रही हूँ। ये 60 रुपये मीटर था, और ये रेयॉन कपड़ा था, ये कॉटन में नहीं था। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है क्योंकि ये जल्दी फटता नहीं है। और एक और आपको शॉप दिखाती हूँ, ये भी थान की शॉप थी, पर ये टुकड़ों वाले थे। इसमें आपको कोई कपड़ा 1 मीटर का मिलेगा, तो कोई 5 मीटर का, 4 मीटर का, इस तरीके का था। और ये सिर्फ 20 रुपये मीटर था। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ 20 रुपये मीटर है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक और शॉप है जो है नेट फैब्रिक की, ये है कॉटन नेट, और ये भी काफ़ी अच्छी शॉप थी, बड़ी शॉप थी। ये 120 रुपये मीटर से स्टार्ट था, भैया कम भी कर लेंगे। और ये मेट्रो स्टेशन से सीधा आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको ऐसे थान की शॉपें काफ़ी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये देखिए, ये मुझे ग्रे कलर का नेट फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, और काफ़ी सॉफ्ट था कॉटन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कपड़े लगे हुए हैं, ये सब 120 रुपये और 130 इस तरीके के, सबके अलग अलग रेट थे। और इनके पास भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, और ये 60 रुपये मीटर था सिल्क में। ये नेट के अंदर इनर डाल सकते हैं आप। और ये देखिए एक और शॉप है नेट की, ये भी 120 रुपये मीटर था, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी नेट थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है इनकी शॉप भी। और एक बार फिर से आपको मैं थान की शॉप दिखाती हूँ, ये भी 60 रुपये मीटर था। ये देखिए, ये सब 60 रुपये मीटर कपड़ा है, ज़्यादातर 60 रुपये ही मिलेगा क्योंकि ये वाला कपड़ा हर किसी की शॉप पर था। आंटी दिखा रही हैं, आप देख सकते हैं, ये 1.5 मीटर कपड़ा था जो आंटी 50 रुपीज़ में दे रहे थे। और यहाँ पे आप लोगों को बेडशीट देखने के लिए मिलेगी, इंद्रलोक मार्केट में आपको बेडशीट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए, ये स्टॉल लगा हुआ था 100 रुपीज़ का, इसमें थोड़ा सा दाग था, बाकी आप वॉश करेंगे तो धुल जाएगा, जो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। 100 रुपीज़ के हिसाब से स्टॉल काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए येलो वाला, इसमें नेट लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं मेट्रो स्टेशन से अंदर अंदर गलियों में आ चुकी हूँ। आप लोग एक बार मार्केट आएंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट हमें कहीं भी ले जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी 60 रुपये मीटर कपड़ा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें 3 कलर थे, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ब्लू और ग्रीन और एक पिंक कलर था इसमें। मुझे ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा, अब ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा है। और इसका ये देखिए, ये पिंक कलर है। ये सब 60-60 रुपये मीटर कपड़ा था,
भैया कम भी कर लेते हैं आप ज़्यादा लेंगे तो। और यहाँ पे आपको प्लेन फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा थान के टुकड़ों का, और मैंने आपको बोला आज मैंने सारा थान का ही कवर किया है, तो यहाँ पर भी 40 रुपये मीटर कपड़ा था ये प्लेन वाला। इसकी आप शलवार इनर कुछ भी बना सकते हैं, लहंगों में ज़्यादातर डलता है ये वाला इनर, तो ये 40 रुपये मीटर यहाँ पर है। और ये यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन कलर चॉइस मिलेगी और 60 रुपये मीटर है। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही नई नई मार्केटों को घूमने के लिए मेरे साथ बने रहें।